सो हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे गाइज। मेरा नाम जतिन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल एरा, और यहाँ पे मिलेगा आपको टेक विद फन। सो गाइज, आज की वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं? So, रुको जरा, सबर करो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एडसेंस अकाउंट का वेरिफिकेशन 3 टाइम से ज्यादा फेल्ड हो चुका है, अब एक्शन बटन आपका काम नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो गया है। और भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक यूट्यूबर के लिए। आपको पता है, आप यूट्यूबर हो गए तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद शायद, और भाई मेरे साथ हुआ था ये, इसलिए मैं समझ सकता हूँ ये बात भाई की। ठीक है, बहुत बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। सो गाइज, आपको मैं बताता हूँ भाई, आज तक की मतलब 7-8 महीनों की मेरी यूट्यूब की जर्नी है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान मैं अभी हुआ हूँ, और अभी यूट्यूब ने परेशान किया मुझे। वीडियो बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई, वीडियो अपलोड करने चलो नेट लगता था, मैं कैसे भी अपलोड करता था, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, जुगाड़ करके वैसे वैसे वीडियो बनाता था, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा भाई परेशान हुआ इस चीज़ में जो अभी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई इस चीज़ में मुझे बहुत परेशानी हुई भाई। 4 दिन की मेरे एक तो अर्निंग चली गई, अर्निंग तो मतलब होती नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी यार बुरा तो लगता ना, 4 दिन मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, कितना हार्ड होता है मोनेटाइजेशन इनेबल करना है। ठीक है, और भाई बताऊँ तो मैं एडसेंस वेरीफाई नहीं हो रहा था, मतलब मैं 18 साल का नहीं हूँ, इसका मुझे मतलब वो अफसोस भी हो रहा था, और यार क्या पता नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान मतलब इस जर्नी में अभी हुआ हूँ, मतलब अभी ही हुआ हूँ, अभी तक परेशान मुझे यूट्यूब ने कभी नहीं किया था, लेकिन इस चीज़ में मतलब यूट्यूब ने बहुत परेशान किया था। यूट्यूब ने परेशान तो क्या किया था, गलती मेरी भी थी, और गलती यूट्यूब की थी ही नहीं यार, वैसे मुझे तो ऐसे लगेगा ना। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ भाई, कैसे आप अपने मोनेटाइजेशन को ऑफिस इनेबल कर सकते हो और एडसेंस को वेरीफाई कर सकते हो, जबकि आपका एक्शन बटन काम नहीं कर रहा, लेकिन कैसे कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स से मैंने पूछा गाइस, उन्होंने जो बताया, हाँ वो मतलब यूट्यूब पे वीडियो भी है, लेकिन जो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसा यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है। एक भी सिंगल वीडियो मिल जाए तो आप भाई कमेंट आके कर देना, अब इसके बाद बन जाए वो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है। कैसे मैं करूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर वो ट्रिक बताते हैं ईमेल पे मेल करके वगैरह, ठीक है, लेकिन भाई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और भाई मैंने मतलब उससे बहुत ट्राई किया लेकिन मेरा तो नहीं हुआ। होता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता है, होता है, लेकिन भाई मैं सबसे अलग करने वाला हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि भाई आपको पता है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ फन भी मिलने वाला है। और भाई ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, वीडियो पे बहुत प्यारा सा कमेंट, और वीडियो को शेयर जरूर जरूर करना। अब एक छोटे से इंटरव्यू के बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई उस टाइम मैं स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, लेकिन स्क्रीनशॉट के जरिए आपको मैं दिखा दूंगा भाई क्या क्या प्रोसेस हुआ था, कैसे कैसे हुआ था भाई उस टाइम। यार किसको याद आएगा वीडियो बनाने का, मुझे तो याद आया नहीं था, क्योंकि मेरे भाई टेंशन था दिमाग पे। अगर आप यूट्यूबर होगे तो भाई आपको भी पता है भाई कितना टेंशन में आ जाता है बंदा जब मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है। पहली बात तो भाई मोनेटाइजेशन इनेबल कितना हार्ड होता है यार, आप खुद सोचो, स्टार्टिंग में भाई 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब तो चलो वॉच टाइम वगैरह मेरा डबल हो गया दोनों चीज़, लेकिन भाई स्टार्ट में जब तक हुआ था 5 से 6 महीने लगे थे, ज़्यादा ही लगे थे आई थिंक, तो भाई टाइम लगता है इस चीज़ में। और जब वो एक दिन में ख़त्म हो जाए, अभी तक अर्निंग आई नहीं है मेरी, मतलब 0 रुपया है, मतलब उसको बोल नहीं सकते, ठीक है, अभी तक वो एडसेंस में ही है, तो भाई अभी तक आई नहीं है, और उससे पहले भी ख़त्म हो जाए तो फिर क्या मज़ा। तो भाई मुझे तो कोई वीडियो बनाने का मतलब दिमाग में आया नहीं था, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आपको प्रूफ बाय प्रूफ दिखा दूंगा कैसे करना है आपको, ठीक है, मेरा तरीका पूरा अलग था। तो गाइस, जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एडसेंस वेरिफिकेशन होता क्या है। वैसे आपको पता होगा एडसेंस वेरिफिकेशन में भाई ये होता है जब आप 18 साल से ऊपर, अब 18 साल मांगता है, वैसे वो डायरेक्टली नहीं बोलता लेकिन मांगता है, क्योंकि पहले आधार कार्ड था लेकिन उसने वो सिस्टम हटा दिया, ठीक है, अब पैन कार्ड, वोटर आईडी या कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसको वेरीफाई के लिए चाहिए। और मैं भाई अभी तक एडल्ट हुआ नहीं, 18 साल का हुआ नहीं हूँ, तो मैंने अब क्या किया, अपने भाई का आईडी कार्ड दिया, वो मुझे पता है सब एडसेंस में मेरी उसकी डिटेल डाली हुई थी सारी की सारी, लेकिन भाई उसके आईडी में क्या था, उसका मैंने लिया था पैन कार्ड यूज़, उसमें भाई उसका सिग्नेचर नहीं था। पैन कार्ड में आप देखना भाई सिग्नेचर होता है, लेकिन मुझे वो बात पता नहीं थी, उसमें उसका सिग्नेचर था नहीं, और भाई मैंने वही सेम ही सेम फोटो भाई, हाँ ठीक अलग तरीके से कर दी कि एक बार पूरा क्रॉप करके डाल दिया, एक बार पूरे कॉर्नर के साथ डाल दिया, लेकिन डालना आपको कॉर्नर के साथ ही है, मैंने सोचा ऐसा नहीं हो रहा था, वैसा करके देख लेते हैं, पूरा कॉर्नर के साथ आपको लेना है, कोई भी पिक हो वो लेना है, ठीक है भाई। उसमें दिक्कत यही थी कि उस पर सिग्नेचर नहीं था, तो मैंने क्या किया भाई, बहुत टाइम वही वो भेजता गया, तो उनको लगा यार कुछ दिक्कत है, बहुत ज़्यादा आपको पता 3 से ज़्यादा टाइम करने पर, 3-4 से ज़्यादा बार भाई करते ही यूट्यूब नहीं सॉरी गाइस एडसेंस आपका अकाउंट को मतलब वो ऑप्शन हटा देता है।
ठीक है, फेल डिफेल्ड होता है तो भाई वो ऑप्शन हटा देता है, मैक्सिमम रिस्क कर लेते हो आप उसके अटेम्प्ट का, ठीक है। तो भाई आपको करना क्या है, आपको करना यही है, आपके भी साथ ऐसा हो गया है तो भाई मैंने क्या किया, सबसे पहले मतलब मैंने वो सारी ट्रिक ट्राई की जो सभी यूट्यूबर बताते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब स्टूडियो में जाओ और यूट्यूब की टीम से बात करो, मेल करो कॉन्टैक्ट एज वाला सिस्टम से, ठीक है। लेकिन मेल भी आते हैं मेरे, मतलब आपको स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप साइड में, मैंने इतने ज़्यादा मेल किए, इतने ज़्यादा इनको परेशान किया, आप सोच नहीं सकते भाई यूट्यूब टीम वालों को, ठीक है। उन्होंने बोल दिया, तो गाइस उनमें से भी भाई दो ने मेरे को बोल दिया यार आपकी रिपोर्ट पहले से यहाँ पे मतलब नोट हो चुकी है, तो भाई मत तो यार आपको पता है होता ना ऐसा, ठीक। तो भाई किया क्या, मतलब वो भी किया मैंने, उनका मेल भी आ गया था थोड़े टाइम बाद, मेल में मैंने अपनी आईडी भी डाल दी, आप देख सकते हो सब कुछ मैंने कर दिया भाई, जो जो उन्होंने पूछा सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब से वापस बात की, वो क्या किया उसमें मैंने बोला भाई, सबसे अलग मैंने मतलब दिमाग लगाया और बोला, मतलब मैंने उसमें ऐसा बोला कुछ कि भाई YouTube टीम आपसे बस एक ही काम है, वो काम क्या है, वो काम ये है कि भाई आप मेरा जो वेरीफाई वाला बटन है ना वो वापस ला दो, समझ रहे हो ना आप, मतलब जो एक्शन बटन काम नहीं कर रहे ना उसको काम करा दो कैसे, उसके बाद मैं अपने आप वेरीफाई कर लूँगा। तो उसने भाई बोला हम इंटरनल टीम से बात करेंगे और इस बारे में बताएंगे, मैं क्यों बात बूत नहीं करनी है, ये मेरी बात से बोला, ठीक है। मैंने बोला बात नहीं करनी है भाई, मुझे वो बटन चाहिए कैसे करके, उसने बोला ठीक है हम बात करेंगे, ठीक है बात कर लिया और तो क्या है, ये मेरी बस है भाई, ठीक है। तो भाई ऐसा होने के बाद उन्होंने बस बात तो क्या की, वो बोला हम इंटरनल टीम को बोलेंगे, ठीक है। तो भाई कुछ ही मतलब 12 या 14 घंटे के बाद भाई ये मुझे मिला कि भाई अपने आप मेरे जीमेल पे एक मेल आ गया था एडसेंस की तरफ से, वेरीफाई नाउ करके, मतलब यो वेरीफाई योर आइडेंटिटी करके नीचे वेरीफाई नाउ का जो ऑप्शन था उस पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही आप देख सकते हो ये वाला मेल था, जैसे मैंने क्लिक किया तो भाई मैं गूगल एडसेंस पे वो चला गया और भाई मेरे वो ऑप्शन आया हुआ था, एक्शन बटन भी वर्क कर रहा था और वेरीफाई का भी वही काम कर रहा था। वापस से मैंने अपने पापा का उसके बाद क्या किया, मुझे पता चल गया गड़बड़ क्या कर रहा था, मैंने यूट्यूब से वो पहले पूछ लिया था भाई दिक्कत कहाँ आ रही है मेरे, वो बोल रहा था आपकी सिग्नेचर नहीं है। तो मैंने किया भाई एडसेंस में मेरे पापा की डिटेल डाल दी सारी, उसके बाद क्या किया जो पैन कार्ड था वो भी पापा का यूज़ किया और वो भाई अपलोड कर दिया। उसके बाद में बस 7-8 घंटे तो मैक्सिमम लगे होंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं 7-8 घंटे लगे भी नहीं होंगे, मैं तो बस रात को किया था मैंने, रात को 10 बजे के लगभग, ठीक है, अपलोड कर दी थी इमेज और सुबह मैंने चेक किया तो वेरीफाई हुआ हुआ था भाई, तो है ना मुझे पता नहीं, लेकिन उसी मुझे लगता है उसी टाइम हो गया, क्योंकि रात में है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होता है, आप दिन में करोगे ना तो आपको टाइम लग सकता है ज़रूर, आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको करनी है तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रात को ही करना, ठीक है, क्योंकि रात को भाई थोड़ा फ्री टाइम होता होगा उनके पास पता नहीं, लेकिन दिन में करते हैं ना तो उनको टाइम लगता है, मैंने बहुत सारे बंदों का देख लिया, बहुत सारे बंदों से सुन भी लिया, तो भाई रात में करना चाहिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो भाई रात में मैंने 10-10:30 बजे भेज दिया था उनको, है ना, अपना डॉक्यूमेंट जो भी था, और उसके बाद क्या हुआ भाई थोड़े ही टाइम बाद मुझे लगता है रात को ही आ गया था वो मेल वापस, मुझे आइडेंटिटी वेरीफाइड सक्सेसफुली ऐसा करके रात को ही मेल आ गया था और मैंने तो सुबह चेक किया था बस। तो भाई बहुत खुशी, आपको पता है ना आप भी एक यूट्यूबर हो, है ना भाई, 4 दिनों से मेरी अर्निंग रुक गई थी, मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, तो भाई कि वैसे अर्निंग इतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी यार मन में तो रहता है ना, अभी तो अर्निंग होती नहीं है लेकिन अभी तो नया नया है, लेकिन फिर भी मन में तो रहती है ना, जो भी $2-3-4 थे ना वो भी बहुत होती है हमारे लिए। जैसे ही मतलब वो मेल आया, वो मेल आने के बाद मुझे अपने आप मतलब वापस से मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो गया, मुझे करना नहीं पड़ा कुछ भी, वहाँ पे जाके मैंने चेक किया बस, तो भाई मोनेटाइजेशन भी ऑन था, तो मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गया ऐसे, और साथ ही साथ आईडी भी वेरीफाई हो गई। तो भाई आपको करना है क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा भाई वो यूट्यूबर गलत बोले, लेकिन ये जो मैंने बोला है ना वो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, वो भी ट्रिक काम करती है, वो भी ट्रिक काम करती है मेल वाली भी, लेकिन उसमें टाइम लगता है, या तो मैंने ट्राई किया भाई 2-3 बार, मेरे तो मतलब हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा उसमें, ठीक है। वैसे वो यूट्यूबर बोलते हैं भाई टाइम लग सकता है आपके, लेकिन भाई मैंने तो कुछ अलग किया। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पे है नहीं, आप कोई बना ले तो मुझे पता नहीं, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।